गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी भाई टाइम हो रहा है, अभी बज रही है मॉर्निंग के 12:40 PM। आज है भाई संडे और आज थी भाई स्कूल की छुट्टी। बहुत दिनों से भाई मेरे एग्जाम चल रहे हैं, आज जाके भाई थोड़ा सा टाइम मिला है। बहुत दिनों बाद आज घर से बाहर निकला, कभी पढ़ाई कर रहा हूँ घर में, कभी ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, तो सारी चीजें हो रही है। आज गाइस हम जा रहे हैं सोनीपत में वाटर पार्क नहीं, जुरासिक पार्क में जा रहे हैं भाई। वहाँ पे ना सारी चीजें है, वाटर पार्क, एडवेंचर पार्क, जिसमें जाना होगा उसमें चले जाएंगे, वो तो वही जाके प्लान बनेगा। किसी ने सोची ना होगी डैविक के नेल्स कट रहे हैं कैची से। डैविक आप ना वहाँ पे चड्डी पहनी है नाचना। हाय बाय गाइस, अल्फा वंतर राइडर भाई जल्दी राइडर एक करे भाई, एक करे भाई। फाइनली पहुंच चुके हैं जुरासिक पार्क पे। हाल है डायनासोर भैया आपके? रख क्या होगा छोरे, नीचे जा। बात यहाँ नहीं फुल हो रही है वो, देख खाली पूरी जगह देख सामने, खाली है टाइम है। ये तो बदमाश है फाइनली आ चुके हैं जुरासिक पार्क के अंदर भाई। गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है, अभी भाई पापा और मैं जा रहे हैं पहले टिकट लेने के लिए। यहाँ पे जो भाई टिकट है ना वो ना हमें वाटर पार्क की और जो यहाँ पे एडवेंचर आइलैंड है ना, कहते हैं अम्यूजमेंट पार्क, उसके दोनों साथ में लेनी पड़ती है, अलग अलग नहीं ले सकते। तो उनका कॉम्बो होता है जैसे 999 का कॉम्बो होता है भाई, उसमें दोनों चीजें हम कर सकते हैं भाई। यहाँ पे देखो फ्री फॉल वाला झूला है, जिप लाइन है, बम्पर कार है, रोलर कोस्टर है, ये सब जो झूले वगैरह ना इनको भी कर सकते हैं, गो कार्टिंग है भाई। जा रहे हैं अंदर, मैं आज तक ना भाई कभी इसके अंदर गया और ना आज तक मैं कभी वाटर पार्क में गया। ये देखो भाई ये है पूरी वॉल, इससे जाते हैं अंदर। यहाँ पे से भाई हमें बैंड मिल चुकी है, चार देखो रेड कलर के चार्ट के लिए, दैविक के तो फ्री है भाई। हमें ना यहाँ पे अंदर का मैप मिल चुका है, एजेंट की जो टिकट है उसमें ना भाई 35 राइड इंक्लूड होती है। जल्दी जल्दी बाहर आओ गाइस, वो भाई साहब दैविक का बैंड। चले दीदी फिर चलो अच्छा। यहाँ एक और चीज पता लगी हमें, लग रहा था हर जगह भाई बच्चों की तो फ्री होती है टिकट, यहाँ पे क्या पता लग रहा है 33 इंच से जो ऊपर का बच्चा है उसकी लगेगी टिकट। दैविक ऊपर है यार, इन्होंने भी अलग ही कर रखा है भाई। पापा गए हैं इसके लिए टिकट लेने के लिए, बच्चे के लिए। ऐसे जाएंगे अंदर, दैविक का आया है भाई ब्लू कलर का बैंड, कितना ऊंचा है 33 इंच से ये है। भाई यहाँ से जाएंगे हम अंदर, कैसा नंगे वंगे घूम रहे हैं यहाँ पे तो। ओ माय गॉड वाटर पार्क। और जी भाई एनाकोंडा भैया क्या हाल है फिर आपके? बढ़िया सर। और जी अंकल जी क्या कर रहे हो झाड़ियों में? पट्टी कर रहा हूँ। हाँ ये तो पूरा भर रहा बिल्कुल ही, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही लोग ही भर रहे हैं भाई, कितने सारे लोग हैं यार आज, खोपड़ी ला रहा है ये तो। अभी भाई हम जाएंगे वाटर पार्क में, तो इसलिए ना यहाँ से ले रहे हैं कॉस्ट्यूम लेनी पड़ेगी वाटर पार्क में जाने के लिए, बिना कॉस्ट्यूम के नहीं जाने दिया जाएगा। अभी भाई हमने यहाँ पे ले लिए हैं टी शर्ट और निकर, मेरी तो कॉस्ट्यूम मेरी और दैविक की हो रही। अभी भाई चेंज तो कर लिया हमने अपनी कॉस्ट्यूम, निकर पहन लिया है, कपड़े ये रहे जो घर से मिल जाए, तो टी शर्ट और भाई चड्डी मैन क्या हाल है। तो अब भाई हम जा रहे हैं यहाँ से वाटर पार्क के अंदर, इस पूल में नहीं जाना, इसमें तो बहुत ही भसड़ हो रही है। ये तो उरासिक पार्क है लगता है, हम गलत आ गए, तो उरासिक पार्क है गाइस। अभी भाई हम आ चुके हैं यहाँ किड्स पूल के पास, यहाँ पे देखो सारे झूले वगैरह, दैविक और मैं यहीं जा रहे हैं। चले भाई हम पानी में आ चुके हैं, चले आगे। ये देखो ये बास्केट ऊपर से पानी फेंकती, आ जा पानी में फेंक, फोन पे नहीं फेंकना, बाल्टी पानी फेंकेगी ऊपर से, बाल्टी पानी फेंकेगी, आ गया। हम जा रहे हैं भाई स्लाइड में, आ जा। मैं है 12, मैं तो 13 साल का हूँ, इसमें चलेगा पहले, आ जल्दी पिटेगा नहीं, जल्दी आ, चल बैठ जल्दी, आ जल्दी। अभी गाइस दैविक और मैं जा रहे हैं बड़ी वाली स्लाइड पे, इधर।
बात नहीं, इसमें पड़ा रहेगा। पापा पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, ना पापा आ रहे, ना दीदी आ रही, ना मम्मी आ रही, सब कह रहे बेकार है भाई, गंदा है, इसमें नहीं आ रहे। तो अभी भाई पापा गए हैं मम्मी और दीदी को बुलाने के लिए, वो दोनों ना यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, वो दैविक को देखते रहेंगे। इतने पापा और मैं घूम आएंगे, पूरा जुरासिक पार्क देख के आएंगे क्या क्या चीजें हैं, और थोड़ी एडवेंचर आइलैंड में भी चले जाएंगे। भाई हम जा रहे हैं यहाँ से बच्चों वाली स्लाइड में निकल के बड़ी बड़ी स्लाइड करने के लिए भाई, जैसे ये हो गई। और जैसी भाई शाम हो जाएगी ना, अभी 3 बजे है, जैसी 5 बज जाएंगे ना, उसके बाद थोड़ी शाम हो जाएगी, धूप कम हो जाएगी, उसके बाद हम जाएंगे एडवेंचर पार्क। हमारा जो भाई 360 है ना, उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आने लगी है, ऑन ही नहीं हो रहा, तो पापा ऊपर से फोन से वीडियो बनाएंगे, मैं जा रहा हूँ स्लाइड में ग्रीन वाले। जा फटाक से। ऊपर से ये करी भाई, ये सबसे फुल स्पीड वाली है, बाकी ना मैंने पूछा सबसे फुल स्पीड वाली कौन सी, तो उन्होंने बोला ग्रीन वाली, क्योंकि एकदम स्टीपा बाकी जाता गोल लून के आ रही है ना भाई साहब, ऐसे आती है मिली सेकंड के अंदर नीचे पहुंच जाते हैं भाई, पता है लगता बहुत स्पीड में ना। एक जब हम थोड़ा सा नीचे आया था ना स्लाइड पे, तब तो लगा था भाई ऐसी स्लाइड है, एकदम से स्पीड बढ़ी, मैंने तो आँख बंद कर लिया, लग रहा था पूल से जेट एकदम पीछे आके मैं एकदम से पूल में कूद गया, पूल आया था ना वहाँ पे, उसका पानी यहाँ तक था, मैं अंदर आके मुँह लग रहा पता नहीं मैं डूब गया। तो वहाँ पे गाइस देखो रोलर कोस्टर भी है, क्या ही पूरा घुचड़ सा रखा है, वहाँ पे दो रोलर कोस्टर है उनमें जाते हैं, ये भी मुझे लगता है हमारी इसमें इंक्लूड है, जो बैंड है ना इसमें, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला कोरोल कोस्टर बोल के ये वाला इंक्लूड कर दिया हो। बात तो सही है भाई, मेरे को भी भाई प्लीज अंकल तेज। ओ ये तो बहुत धीरे चल रहा है, हम घोड़े पे झूल रहे, देखो हमको तो भाई अलाव नहीं किया, दीदी को भी मेरे को भी चलना झूठी, मेरे को तो किया ही नहीं बिल्कुल भी, दैविक बैठ चुका है घोड़े पे, अंकल तेज थोड़ा। ओ वेड़े दैविक, ओ मेरे दैविक तो क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, ये चेयर हमारे लिए बना रखी है कि हम ही बैठ सकते हैं। बाढ़ में गया तुम्हारा रोलर कोस्टर, हम तो इसमें बैठ गए, बहुत ही बढ़िया ये तो। हेलीकॉप्टर की सवारी कर रहा है भाई साहब, भाई उड़ा रहा है हेलीकॉप्टर, आपका हेलीकॉप्टर तो बहुत ही तगड़ा है, ओ बेटे देख 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 देख। तो भाई हम यहाँ से निकल लिए हैं, वो जो घोड़े वाला होता है ना, वो घूमने वाला, वो झूल के, और यहाँ पे जो रोलर कोस्टर है इस पे तो बहुत ही लंबी लाइन लग रही है, लंबी लाइन में भाई कौन ही लगेगा, तो अब यहाँ से जा रहे हैं भाई, देखते हैं और कुछ मन करेगा एक्टिविटी करने का करेंगे, और हम ऐसे सीधा घर निकल रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है यार, धूप में तो मत ही आओ, मैं तो कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, थोड़ा अच्छा मौसम होना तब आना चाहिए यहाँ पे, और इससे अच्छा तो एडवेंचर आई लगना हमारे रोहिणी वाला ही बाबा। और भाई मम्मी भी आई थी, मम्मी ये तो आप तो गए नहीं, क्यों नहीं गए, गर्मी हो रही है इसलिए, पानी भी आपको गंदा लग रहा है, पानी मम्मी कह रही भाई पानी भी गंदा है, भीड़ बहुत है और गर्मी हो रही है, इसलिए मम्मी नहीं गई भाई पानी में, वरना भाई सारे जाते, ना दीदी गई ना पापा गए, कोई भी नहीं गए। यहाँ पे आके पता नहीं भाई हमारे 360 को क्या हो गया, एक तो 360 से अच्छी वाली वीडियो बना रहा था, यहाँ पे आती चल ही नहीं रहा है 360, इसके हर बार कैप्चरिंग लिखा रहा है। ये डायनासोर के अंडे के अंदर कौन है भाई, भाई गेट के पास पहुंच गए जहाँ से जुरासिक पार्क से बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पे आके भाई दैविक सॉफ्टी को देख के रोने लग गया, कह रहा मुझे खानी है सॉफ्टी, यहाँ पर इसके लिए भाई टोकन लेने गए थे सॉफ्टी का, तो अब लेके आते हैं इसके लिए। अब तो भाई भूख का भी टाइम हो गया, और आज भाई मजे भी आए इस तरफ की स्लाइड पर, राइड में गए मुझे मजे आए, पर मैं इस तरफ मम्मी पापा और दीदी का क्या हुआ होगा, इतनी धूप है, क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा था उनमें जाने का, उनको लग रहा था कि हम एडवेंचरस वाली राइड करेंगे, उन राइड में इतनी लंबी लाइन मतलब पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे वो बारी आने में, सारी चीज़ों में इतनी लंबी लाइन लग रही है, संडे है ना, एक तो ये बात है, जहाँ पे भी जाओ इतनी लंबी लाइन, और पानी में मम्मी पापा जा नहीं रहते तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे भूख का भी टाइम हो गया है, और अंदर यहाँ पे चीज दिखाऊँ आपको, देखो कितनी भीड़ है खाने के लिए, देखो कितनी भीड़ है भाई, लाइनें लग रही है खाने तक के लिए। अब मुझे पता है भाई आज हमारी बहुत सारी जो राइड है वो रह गई है, जैसे बंजी जंपिंग वगैरह हो गई, बहुत सारी राइड है वो सब रह गई है, पर कोई बात नहीं भाई, उनको अगली बार ट्राई करेंगे, बहुत धूप है यार, धूप में आने की जगह नहीं है, और संडे को तो बिल्कुल ही नहीं।
और एक चीज चलो अच्छी हुई है, 360 है ना वो ठीक हो गया है, पहले खराब था ना चल रहा है। यहाँ पे दैविक खा रहा है भाई सॉफ्टी, वहाँ पे दीदी खा रही है, यहाँ मैं खा रहा हूँ। यहाँ पे देखो भाई ये बीच है, यहाँ का देखो ये साइड में सैंड है, सैंड नहीं है ये वो है, वो जो कार्पेट नहीं होती वो है, देखने में तो ऐसा लग रहा है सैंड है और सामने वो है ओशन, पूरा बीच वाला व्यू। और यहाँ पे बीच पे गाइस देखो सब वो ले रहे हैं सन बाथ ले रहे हैं। यहाँ पे भाई फाइटिंग हो चुकी है, लड़ाई हो गई है। ओ भाई साहब भर दिए, ओ मार रहे हैं भाई उसको, तो मार दिए। लोग तो भाई पता नहीं क्या ऐसे लड़ते मरते रहते हैं। जितनी भीड़ है ना भाई खाने का टोकन लेने के लिए, देखो इतने सारे लोग और वहाँ पे तो सीटें नहीं है बैठ के खाने के लिए, पूरा भर रहा है वहाँ तो ऊपर से नीचे तक भाई। तो जो फिर भाई हमारा जुरासिक पार्क है वो यहीं पे खत्म होता है। यहाँ पे देखो ये पूरा वेव पूल है जो मैं आपको दिखा के लाया ना, पूरा एक ओशन टाइप का, और यहाँ पे सैंड है, ये पूरा वेव पूल है और यहाँ पे खाने पीने का है। और यही कुछ था भाई जुरासिक पार्क, ज्यादा कुछ है इसमें घूमने का, तो जो था मैंने सब कुछ भाई आपको दिखा दिया है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट मुझे एक ही चीज लगी, जो वो स्लाइड थी ना ग्रीन वाली सबसे फास्टेस्ट वाली, वो लगी सबसे बेस्ट। ऐसे और उसमें पता नहीं कितनी तेज की क्या क्या हो गया भाई, दूर से देखने मुझे ऐसा लगा भाई ये कौन है भाई, दूर से लगा था इसलिए। भाई देख हाथी में पड़ेगा ये हाथी भैया, अभी सूंड लाते है क्या अपने। 6:30 बजे भाई ये जो है ना बंद हो जाता है, मतलब इसमें ना धूप में घूमने का ही है, बाकी नहीं घूम सकते, ये तो गलत बात है यार, शाम तक खोलना चाहिए इन्हें, धूप में ही खोल रखा है, बाकी बंद कर देते हैं इसे। वो जो भाई आप ऊपर देख रहे हो ना वो है बंजी जंपिंग करने का, देखो पूरा टावर है ये। और दीदी ने तो ऋषिकेश की सबसे ऊंची वाली बंजी जंपिंग ना वो करी थी, ये तो छोटा सा है फिर भी कह रहा है ये डायनासोर 40 कर रहा है क्या मम्मी, बेकार लगा ना मेरे को भी, मुझे क्या पता था ऐसा है, मैं पहली बार आया मैं भी नहीं आऊंगा इसमें, बेकार है सारी चीजें ही बेकार है, भीड़ बहुत है। ठीक है भाई टैनिंग हो चुकी है यहाँ पे, बस एक ही चीज अच्छी लगी थोड़ी, वो था वो स्लाइड जो मैंने आपको बताई थी जो तेज आई थी, बाकी सब तो ऐसे ही भाई बकवास बकूस सा, पूरा इनको क्या हो गया क्यों लड़ रहे हैं। अबे देखो भाई यहाँ पे जिप लाइन होती है और यहाँ पे जो नेट देख रहे हो ना इस पे भाई कूदाते हैं, पर जिप लाइन में नहीं करी हमने क्योंकि इतनी लंबी लाइन है जिप लाइन के लिए, सब में लंबी लाइन है भाई, सर दर्द हो रहा है बहुत, अब निकलो यहाँ से बस जल्दी जल्दी। यहाँ पे वही कॉस्ट्यूम हमारी वापस हो चुकी है, आप सोच रहे पर्ची क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जैसे हम 300 की हमारी जो ड्रेस है वो 300 की आई है ना, तो उसमें हमें 500 रुपए दिए थे, तो 200 हमारे वापस हो जाएंगे देने के बाद इनको ड्रेस, तो अपने 200 रुपीस लेके आते हैं। लो अपना सड़ा सा बैग, ये देखो गाइज मेरी नई वॉच, टैनिंग वाली वॉच गाइज, देखिए कैसी लगी गाइज आपको बताना, टैनिंग वाली वॉच मेरी गाइज। आपकी टैनिंग वाली वॉच कहाँ है, अरे टैनिंग मेरी देखिए, मेरी है मेरी, देखो देखो ये गेट है, अब यहाँ से निकलेंगे बाहर, अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, कहीं भी चले जाओ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी राइड पे, सब पे तीन तीन तक तस्वीर की लाइन, क्यों तो बैठ जाओ फिर तुम भी बैठो अभी भाई अपनी थार में, तो बैठ के निकल लिए हम यहाँ से जुरासिक बेकार पार्क से। जुरासिक पार्क से बाहर निकलते ही भाई यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला ट्रैफिक लगा हुआ है, आधा घंटा हो गया लड़की को सारे साइड से निकल रहे हैं, उससे गाड़ी नहीं चल रही है पापा की, तो भी लाइसेंस दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता सब लड़की, अरे लड़की देखो लड़की है देखो देखो, अरे ऐसा थोड़ी होता है कि सब लड़कियां एक जैसे ड्राइविंग करती है बेटा, तो इसको देखने चलाने का तरीका है कोई है। आज भाई जुरासिक पार्क में आधी एक्टिविटी तो इसलिए नहीं कर पाए, इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही थी वहाँ पे सारी चीजों पे, लाइन इतनी लंबी लंबी थी, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही थी, आज क्या सब लड़ मर के मर जाएंगे पापा, मैं भी खाऊंगा मैं भी खाऊंगा, मैं भी कर दिया मैंने ले लिया आइसक्रीम। अभी भाई शाम के 5:30 हो चुके हैं और अभी भाई ये पहुंच चुके हैं जहाँ पे ना सारा खाने पीने का सामान मिलता है, तो अब मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से रोल लेने के लिए, और दैविक मांग रहा है स्प्रिंग रोल, दैविक भाई यहाँ से मांग रहा था स्प्रिंग रोल, तो उसके लिए स्प्रिंग रोल ले लिया, वहाँ सामने बन रहे हैं हमारे वेज रोल भाई, हम यहाँ से निकल रहे हैं, सारा जो खाने पीने का सामान है ना वो तो ले आए हैं। अभी भाई हम यहाँ से ले रहे हैं थोड़ी सब्जियाँ, जीत गए चुनाव, जीत गए क्या तुम चुनाव, जीत गए क्या तुम चुनाव, नेताजी चुनाव जीत गए आप, ठीक है जी बहुत बढ़िया भाई साहब, वैगनार देखो कितनी तगड़ी बना रखी है भाई, बंदे पूरी रैप रखी है, मॉडिफाई कर रखी है पूरी वैगनार,
अभी भाई हम फाइनली अपने घर पे तो पहुंच चुके हैं। अभी भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर पे। जैसा कि भाई आपने देख लिया था आज भाई वाटर पार्क में अच्छा तो लगा, थोड़ा बहुत एक आध स्लाइड थी जिनमें थोड़ा सा अच्छा लगा, बाकी तो भाई सब कुछ ऐसा ही था, भीड़ बहुत ज्यादा। अभी भाई रात के 11 बज चुके हैं, मैंने खाना पीना तो सब खा लिया है और अब जाऊंगा भाई मैं एडिटिंग करने के, उसके बाद जाऊंगा मैं सोने, कल स्कूल भी जाना है। तो अगर आपको लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हार दिए।